सही बात वो नहीं लोग के पास भी तो जीपीएस होता है ना, एक जीपीएस रखते हैं और चार तारों से जाते हैं। इन लोग का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। मछली पकड़ने जा रहा है ना दो तीन दिन पूरा, वो पूरा सेट किए हैं हमने। हमारा जहाज देखेंगे खाना खत्म हो जाए तब आ जाएंगे। इधर ओपन सी है ना, इधर आइलैंड मतलब ये आइलैंड कनेक्शन भी है ना। क्या भाई साहब, हाँ देख रहे ना ओपन सी, समुद्र और नदी का मिलन हो रहा है यहाँ पे। अभी तो जमीन दिख रहा है, वहां जाने के बाद तो वो भी नहीं दिखेगा। झुंड नजर आया, हम लोग इतना सीटी हो जाए, इतना सीटी हो जाए, वो हम लोग के आगे आगे चलने लगा, उसका पूरा वीडियो है मेरे पास। जबरदस्त नजारा, डीप सी नहीं होते हैं, डीप सी नहीं है, टेरिटोरियल वाटर एरिया नहीं है, आते हैं वो लोग शिकार करने अपना खाने पीने के लिए। घुस गया हम लोग, ये है आपका खुला समुद्र अरेबियन सी। यहाँ पे नेत्रावती में और ये रहे जहाजी, और ये रहे जहाजी हमारे एंजॉय करते हुए। हाय कर दीजिए, मुंह से मास्क हटा दीजिए। आपका नाम क्या हुआ सर, बता दीजिए। संदीप यादव। कब से है जहाज में?
23 तारीख से है सर, ये झटाक मार रहा है समुद्र का पानी हमारे ऊपर। ये हमारे पुरुषोत्तम स्वरूप बस सेल इन वेस्ट कोस्ट, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, मजे कीजिए, खुला समुद्र देखिए। यही वाला तो ये सब बीच है ना पूरा, इसके पास है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। वाह 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 वाह, बाप रे बाप। पानी जटा से मार रहा है, और ज्यादा है। बाप रे बाप, ओ एक देखा पूरा लग रहा है। ये इतना ग्रेट इधर होता है ना, और ज्यादा दूर जाए इतना नहीं होता है ना। Thanks. संदीप जी बताएं आपका कितना दिन का एक्सपीरियंस है जहाज में? कभी तूफान में फंसे हैं वहाँ पे? क्या ठीक हो गया था? अच्छा, आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा? हमारा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस इसी जांच का है। सबसे बुरा? सबसे बुरा तो टक फूट का। किसका? टक फूट की देख पा। अच्छा, ऑक्सीजन सिकनेस का शिकार नहीं ना है? नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम, हाउ कैन यू सी? हम पूछ रहे हैं, जस्ट आई एम आस्किंग। ये मेरा फर्स्ट क्विज है, ये देखना पड़ेगा ये क्विज के बाद हाउ आर्मी से एक्सप्लेनेशन आपको। और मैं 9 क्रूज कंप्लीट कर चुका, 10वां पे हूं मैं। एक्सप्लेनेशन बहुत है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ओके, गुड एक्सप्लेनेशन, मतलब गुड एक्सपीरियंस। मेरा हर एक मौसम में, हां, अप्रैल में भी किया, मार्च में भी किया, दिसंबर में किया, हां, जनवरी में किया, हां, मई में किया, सितंबर में किया, हर महीने किया हूं। हां हां, तो समुद्र कभी शांत नहीं रहता है। शांत होने का मतलब है
कि कोई बड़ा तूफान आ सकता है, इसीलिए ऐसे डायनामिक रहना चाहिए। आप लोग मजे कीजिए, देखिए एक एक डेढ़ डेढ़ मीटर का स्वेल है, मीटर में अंदाजा नहीं लगा रहे हैं तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। एक आदमी एक मीटर का होता है ना, 1.7 1.5। ओके बॉल ऐसे रख दिया, बोया सर बोया बोया चैनल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग ओपन सी में आ गए, डेढ़ डेढ़ मीटर का स्वेल का मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ पायलट बोट है, मच्छी वाली जहाज आगे निकल चुकी है। हम लोग ट्रायल करेंगे और फिर वापस चले जाएंगे शाम तक। हाँ बैलून बैलून वहाँ पे बैलून दिख रहा हो, जूम नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर